हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सोनी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। सो टुडे वी स्टार्ट द चैप्टर फर्स्ट, रेशनल नंबर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8, इन विच वी लर्न द फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज ऑपरेशन ऑफ जीरो विद रेशनल नंबर्स। ओके, सो व्हेन जीरो इज एडेड विद एनी अदर रेशनल नंबर, हम जीरो को किसी भी रेशनल नंबर में अगर ऐड करें, देन रिजल्ट इज द सेम रेशनल नंबर, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, सेम ही आता है। जैसे कि 5 प्लस जीरो करें या हम 0 प्लस 5 करें, 5 में जीरो को ऐड करें या जीरो में 5 को ऐड करें, तो आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। सेकंड देखते हैं, माइनस 3 में अगर हम जीरो ऐड करें या जीरो में माइनस 3 को ऐड करें, तो भी आंसर क्या आएगा, माइनस 3 आएगा, सेम ही आएगा। सिमिलरली माइनस 5/7 में अगर हम जीरो को ऐड करें या जीरो में माइनस 5/7 को ऐड करें, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, माइनस 5/7 ही आएगा। यानी हमने होल नंबर में जब जीरो ऐड करा तो सेम होल नंबर आया, इंटीजर में हमने जब जीरो ऐड करा तो सेम इंटीजर ही आया, और रेशनल नंबर में जब हमने जीरो ऐड करा तो भी सेम क्या आया, वही रेशनल नंबर आया। इट्स मीन देयरफॉर जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो क्या कहलाती है, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है, कि हम जीरो को किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, नाउ जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर एंड होल नंबर्स एज वेल। ओके, सो इसके बाद फिफ्थ आती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो नाउ वी चेक द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फिफ्थ इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इन दिस आइडेंटिटी फर्स्ट वी चेक दैट हम 8 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 8 ही आ जाए, सभी बच्चों को पता है किसका करेंगे, 1। सिमिलरली माइनस 5 में किसका मल्टीप्लाई करें कि माइनस 5 ही आ जाए, 1। माइनस 4/7 में किसका मल्टीप्लाई करें कि माइनस 4/7 ही आ जाए, 1। ठीक है, तो ये हम सब जानते हैं। सो वी कैन से दैट इफ एनी रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर हो, इज मल्टीप्लाइड बाई 1, अगर उसमें 1 से मल्टीप्लाई होता है, देन प्रोडक्ट इज द सेम, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, सेम आता है, ए रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर होता है वही आता है। ठीक है, आई 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसलिए 1 को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ओके, इट्स मीन ए मल्टीप्लाई 1 कर रहे हम या 1 का मल्टीप्लाई ए से करें, तो आंसर क्या आएगा, सेम वही रेशनल नंबर आएगा, ए ही आएगा। ओके, नाउ वी स्टार्ट द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स। सो स्टूडेंट लुक एट द बोर्ड, द सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स, इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व 3 क्वेश्चंस लाइक दैट, 2 + 10 = 0, हम 2 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, सभी को पता है इसका नेगेटिव ऐड कर दो, -2, 0 आ जाएगी। सिमिलरली -3 का 3 में हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, +3 ऐड कर दो, 0 आ जाएगी, ठीक है नहीं। सिमिलरली -5/7 में हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, +5/7 ऐड कर दो, 0 आ जाएगी। इट्स मीन वी कैन से दैट व्हेन सम ऑफ 2 नंबर्स इज 0, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी हम किन्हीं 2 नंबरों का सम करें और वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, 0 को हमने क्या बताया था अभी आपको, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि ठीक है, देन दीज 2 नंबर्स आर एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर, इसका मतलब वो दोनों ही नंबर आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल -1 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ +1, -1 का एडिटिव इनवर्स क्या है, +1 है, एंड +1 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -1, +1 किसका एडिटिव इनवर्स है, -1 का। तो सिमिलरली वी कैन से दैट -a/b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ +a/b, ओके, एंड +a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -a/b, क्लियर। सो नाउ वी स्टार्ट द सेवंथ आइडेंटिटी विच इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी
कहते हैं और सिंपल इनवर्स भी कहते हैं। ध्यान रखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के तीन नेम है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सिंपल इनवर्स और रेसिप्रोकल, ठीक है। और जबकि एडिटिव इनवर्स का तो एक ही नाम है, वो भी क्या, एडिटिव इनवर्स। अगर ओनली इनवर्स लिखा आ रहा है तो इसका मतलब आप सब बच्चे ध्यान रखें कौन सा इनवर्स है, वो मल्टीप्लिकेटिव ना कि एडिटिव, क्योंकि एडिटिव के एडिटिव इनवर्स के आगे तो एडिटिव उसको लिखकर देना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल। 5 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाए, 1/5 है कि नहीं। सिमिलरली -3 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाए, -1/3। -2/3 में हम किस का मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, -3/2। ओके, वी कैन सी दैट, यानी कि आप इसमें एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर जो नंबर का साइन है वह सेम आएगा, वह चेंज नहीं होगा। ओनली क्या चेंज होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, ठीक है, रेसिप्रोकल में। सो वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेशनल नंबर्स इज 1, यानी कि अगर किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 1 आता है, 1 मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बताया था ना अभी मैंने आपको 1 क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देन These two numbers are multiplicative inverse. तो वे दोनों नंबर आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाएंगे, या रेसिप्रोकल भी हम उन्हें कह सकते हैं, ओके, टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल 4/3 इज द इनवर्स ऑफ 3/4, 4/3 किसका इनवर्स है, 3/4 का। सिमिलरली 3/4 किसका इनवर्स होगा, 4/3 का। देन वी कैन से दैट द रेसिप्रोकल ऑफ a/b इज b/a, किसी भी रेशनल नंबर a/b का रेसिप्रोकल क्या होगा, b/a होगा, ओके, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर, अब हम उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू वेरी मच।